सो हेलो गाइस, सेकेंड राउंड के रिजल्ट के बाद से क्या करना है, फ्रीज या फ्लोट, और किसको देना है 20,000 और किसको देने हैं 12,000। कुछ लोगों का सीट अपग्रेड हुआ है, कुछ लोगों को सीट नया मिला है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सीट वही मिला है लेकिन उनकी कैटेगरी छीन ली गई है। क्या है इसके पीछे का रीजन? और कुछ लोगों को तो कल फ्लोट वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा था लेकिन आज से फ्लोट का ऑप्शन आने लगेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कहीं और कॉलेज मिल चुका है, इससे बेटर कॉलेज मिल चुका है और वो रिफंड चाहते हैं। तो इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है, किस प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है कि हमें रिफंड मिल जाए। तो रिफंड के लिए मैं पहले बता दूं, 20,000 तुमने पहले राउंड में जमा किया था, दूसरे राउंड के बाद से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 15,000 वापस मिलेगा। तो रिफंड लेना कैसे है इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा तुम्हें। उसके साथ साथ मजे की बात यह है कि एक एक सवाल का मैं जवाब दूंगा, कैसे फ्लोट करना है, पेमेंट कैसे करना है। और इस बार की कट ऑफ, हालांकि मैंने बोला था कि सेकेंड राउंड में कट ऑफ गिरेगी और कट ऑफ गिर गई है, इस बार क्या होने वाला है कि और नीचे जाने वाला है। तो जो लोग फ्लोट करने वाले हैं उनको बहुत तगड़ा फायदा और ज्यादा होने वाला है, खासकर जनरल स्टूडेंट को। मसला यह है कि अब सब कैटेगरी खत्म, सब कैटेगरी समझ लो ना, गर्ल्स वर्ल्स की कैटेगरी खत्म, अब सब लड़ेंगे ओपन में। अगले राउंड में कैटेगरी भी खत्म, उसके बाद से सब हो जाएंगी सीटें ओपन। तो जनरल कैंडिडेट को होगा तगड़ा वाला फायदा, अभी मेल कैंडिडेट को भी फायदा होने वाला है, डोंट वरी। तो चलो अब आगे हम लोग देखते हैं कि अपना मसला क्या है, अपने लोगों पहले विलिंगनेस कैसे चूज करके रख लेना है। और ध्यान रखना ये राउंड ऐसा है कि इसके बाद से तुम्हें फिर से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये राउंड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर तुम चॉइस फिलिंग सही से नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है कि जो तुम्हें सीट मिली है अच्छी वाली उसे लेके दूसरी खराब सीटें लोग दे दें। क्योंकि अगर तुम्हें अगले राउंड में सीट मिलती है तो पिछला वाला सीट कैंसिल हो जाएगा, और अगर तुमने अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं करा तो अगर खराब कॉलेज मिल गया तो तुम उसे अपग्रेड भी नहीं करवा पाओगे, ये ध्यान रखना। तो ये लास्ट चॉइस फिलिंग है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है अपने को। तीसरे के रिजल्ट के बाद चौथे में आप ऑटोमेटिक चले जाएंगे, उसके बाद आप इंटरनल स्लाइडिंग में जाएंगे। तो आई एम रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, गलती से भी खराब चॉइस फिलिंग मत करना, फ्रीज कर लेना भले वो चलेगा, लेकिन अगर तुमने गलत चॉइस फिलिंग करी तो जो अच्छा कॉलेज तुम लेके कूद रहे हो उससे खराब कॉलेज तुम्हें पकड़ा दिया जाएगा। हालांकि अगले राउंड में और भी कट ऑफ गिरेगा, और कितना गिरेगा इसके बारे में अपन लोग डिस्कशन कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और, स्कॉलरशिप अब जिनको कॉलेज मिल रहा है जो फ्रीज करके अब फिजिकल रिपोर्टिंग 1 तारीख को करने जा रहे हैं, आप लोग तुरंत ही स्कॉलरशिप भरवा देना, मैं प्रोसीजर अभी बता दूंगा, देयर इज अ नो प्रॉब्लम। ओके, तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहां आके लॉगिन कर लेना है, इस पर क्लिक करने के बाद आईडी पासवर्ड डालने के बाद कुछ ऐसा आएगा, सीट न्यू अलॉटमेंट रिजल्ट में आप जाके देखेंगे, ठीक है, न्यू अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करना है और वहां पे जाके देखना है कि आपको क्या मिला है। आई थिंक सबने देख चुका है, मैं इस पे और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। उसके बाद से विलिंगनेस पे क्लिक करना है, चेंज विलिंगनेस। तो चूंकि यहां पे इसने विलिंगनेस ऑलरेडी वो कर रखा है, तो चेंज विलिंगनेस पे जाने के बाद से, चेंज विलिंगनेस पे जाने के बाद से ओके, यूट्यूब में एक्टिव वालों में बड़ी लफड़ा है, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा भाई। ओके, तो उसके बाद से यहां पे जाने के बाद से चेंज विलिंगनेस, विलिंगनेस अपने को सबमिट करना है। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं उनको 20,000 का पेमेंट देना है, 20,000 का पेमेंट देने के बाद से पेमेंट 20,000 का करने के बाद से तुम्हें विलिंगनेस चूज करने का ऑप्शन यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो पहले क्या करना है कि तुम्हें 20,000 का पेमेंट करना है। जो लोग नए हैं, जिनको नया नया भी सीट अलॉट हुआ है, पिछले राउंड में जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ था, तो पहले तो तुम यहां से पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद से तुम्हें एक उसका विलिंगनेस चूज करने का ऑप्शन तुम्हें मिलेगा, ठीक है, विलिंगनेस चूज करने का ऑप्शन तुम्हें मिल जाएगा। I'm just going to log in again, ठीक है। उसके बाद से जो लोग पुराने हैं उनको क्या करना है, जिनको पुराना है उनको कब विलिंगनेस चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, I'm just going to show them. तो अपन लोग अब अगर कोई नया, जिसको जिसको नया मिला है उसका तो मैं दिखा दिया, पेमेंट करने के बाद ही चेंज चूज विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा, लेकिन जो लोग पुराने हैं
उनको अगर इस बार सीट अलॉट हुआ या नहीं भी हुआ है, तो उनके पास क्या ऑप्शन आने वाला है? उनके पास चेंज विलिंगनेस का ऑप्शन आने वाला है। पहले उनका जो करंट विलिंगनेस था, जो पुराना विलिंगनेस था, वो फ्लोट था। जैसे इस बच्चे का पुराना विलिंगनेस जो था, वो दैट वॉज फ्लोट। अब अगर इसे फ्लोट था, ठीक है, वो पहले राउंड में फ्लोट की थी, उसे अपग्रेडेशन चाहिए था। अब अगर तुम्हें फ्लोट करना, अपग्रेडेशन चाहिए, अगर तुम इससे बेटर ब्रांच चाहते हो, तो यहाँ फ्लोट पर क्लिक करो। और अगर तुम्हें अपग्रेडेशन ब्रांच, अपनी ब्रांच को अपग्रेड नहीं करवानी, अब तुम फ्रीज करना चाहते हो, एक मतलब अब डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो, तो फ्रीज पर क्लिक करो। फ्रीज पर क्लिक करने के बाद 1 तारीख को जाके फिजिकल रिपोर्टिंग जरूरी है, ये ध्यान रखना। और अगर जिन लोगों को विड्रॉ करना है, वो विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। जिनको आप आगे पार्टिसिपेट नहीं करना है, उनको अपना पैसा वापस चाहिए, तो विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। एक कैंसिल चेक लगाना है, कैंसिल चेक नहीं, कुछ कुछ नहीं होता है, अपना चेक उठाना, इसी मतलब जो भी तुम्हारा अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम, IFSC कोड, और कैंसिल चेक पे बस लिख देना कैंसिल चेक। इस पर मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा, वो तुमने बस लिख देना है कैंसिल चेक, और इसे अपलोड कर देना है और विड्रॉ कर लेना है। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वही तुम्हें करना है। अब देखो ध्यान से, मामला क्या है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैंसिल विड्रॉ कैसे मंगवाना है, और विड्रॉ 1 से 2 महीने के अंदर आ जाता है, ठीक है, फ्लोट कैसे करना है और फ्रीज कैसे करना है, आई थिंक यू नो। अब चेंज विलिंगनेस के ऑप्शन पे जो न्यू दिख रहा है ना, यहीं से तुम्हारा विलिंगनेस चेंज हो जाएगा। ये सबके लिए आ रहा है, चाहे पिछले राउंड में मिला हो या इस राउंड में मिला हो, आप सबको चेंज विलिंगनेस करना है। अगर तुमको बेटर ब्रांच चाहिए, तो हमेशा चेंज विलिंगनेस में फ्लोट चूज करना है, क्योंकि तभी तुम आगे जाके अपग्रेड करवा पाओगे। लेकिन आंख मूंद के फ्लोट मत चूज कर लेना, अदरवाइज तुम्हारा ही नुकसान है, पूरा पूरा नुकसान है। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि ऐसा हो सकता है कि अभी जो ब्रांच, जो तुम्हें ब्रांच या कॉलेज मिला हुआ है, इससे हटा के दूसरा कॉलेज दे दिया जाए और वो इससे बेहतर ना हो। क्योंकि अगर तुम्हें आइडिया नहीं है कि कौन सा कॉलेज बेहतर है, कौन सी ब्रांच बेहतर है, तो ये करने में रिस्क है। इससे बढ़िया तुम हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ले सकते हो, दैट इज टोटल, मतलब बहुत सस्ता प्रोग्राम है, ठीक है। हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम जो चीज फर्स्ट राउंड में सबको 2499 में मिल रही थी, 2499 में मिल रही थी, अभी उसकी प्राइस 999 हो गई है। क्योंकि इसमें क्या है कि हम आपकी चॉइस फिलिंग कर देंगे जो अगले राउंड तक चलेगी, और ये चॉइस फिलिंग का लास्ट है। और अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है, और अगर आपको हेल्प डेस्क प्रोग्राम चाहिए, हेल्प डेस्क प्रोग्राम चाहिए, तो 799 का है भाई, जरूर ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रिस्क मत लेना। पता है कहने का मतलब ये, रिस्क क्यों नहीं लेना, क्योंकि क्या, इतने मेहनत से तो कॉलेज मिलता है यार। कॉलेज में तुम 1.5 लाख 2 लाख, मतलब पूरे 4 साल में 12 लाख फूकने के लिए तैयार हो, और एक 799 का मेंटरशिप प्रोग्राम लेके तुम बेटर मेंटरशिप क्यों नहीं ले लेते? तुम्हें भले आइडिया ना हो, बट वी हैव आइडिया, गुड आइडिया, कि तुम्हें अभी कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, जो तुम्हें कॉलेज मिला है इससे और बेटर क्या हो सकता है, हम अपने मेंटरशिप के अंदर फ्लोट कराएंगे। जिनको फर्स्ट राउंड में मैंने फ्लोट कराया था, उनसे जाके पूछो, अभी भी FW सीट मिली है काइट और जैसे जैसे कॉलेजों में। और उन्हें जिनको पिछले राउंड में गलगोटिया जेल बजाज था, वो सब काइट की तरफ आ गए हैं, इतना इंप्रूवमेंट हुआ है। थोड़ा सा रिस्क लो, रिस्क भी नहीं लेना है, मैं बता रहा हूं तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो सीट तो बची रहेगी ना, अगर मेरे साथ हो तो कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। हेल्प डेस्क प्रोग्राम ज्वाइन करो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। मैं तो तुमसे यही कहूंगा, रिस्क लेने में फायदा नहीं है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो हम तुम्हारे साथ हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।